हेलो फ्रेंड्स, ट्यूलिप्स गार्डन में आपका स्वागत है। आज हम जिस पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ये हैं। इसे हम अरेका पाम कहते हैं या फिर कई जगह पे इसको बीटल पाम या डेट पाम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट हैं जो वातावरण से CO2 को लेकर के O2 में बदल देता है और काफ़ी खूबसूरत और बेहद ही आकर्षक प्लांट है जिसको हम इंडोर और आउटडोर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, शहरीकरण और बढ़ती हुई आबादी से हमारे घर जो है छोटे हुए सिमटते जा रहे हैं और हमारे जो AC रूम्स हैं उनके बंद कमरों में अपन खुली हवा की महक तो भूल सी गए हैं। इसलिए हमें ऐसे प्लांट लगाने चाहिए जो हमारे घर को तरोताज़ा और शुद्ध हवा देते रहें। दोस्तों, कई बीमारियां हो जाती है अपने अगर प्लांट्स नहीं लगाएंगे तो। घर पे मैं मानती हूँ कि बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट ही लगाने चाहिए, जैसे अरेका पाम है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, स्नेक प्लांट है, ऐसे प्लांट अपने को यूज़ करने चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्लांट की कि इसको क्या पसंद है और क्या नापसंद है, कैसा इसको वातावरण पसंद है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको पानी की कितनी ज़रूरत होती है। दोस्तों, बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है इसको। 5-10 दिन में जब इसकी मिट्टी सूखने लग जाए तब अपन इसमें पानी डाल सकते हैं। बिल्कुल लो वाटरिंग करनी है और वाटरिंग से ये पौधा जल जाता है। और दूसरी बात है, इसका जो ड्रेनेज होल है वो परफेक्ट होना चाहिए। जब भी अपन पानी डालें इसमें खड़ा नहीं रहे, सीधा पानी नीचे से निकल जाए, जितनी इसकी ज़रूरत होगी वो ये प्लांट ले लेगा। सेकेंड बात अपन लाइट की करते हैं कि इसकी बिल्कुल लो लाइट की ज़रूरत होती है, रोशनी की ज़रूरत होती है। डायरेक्ट सनलाइट ये पौधा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जहाँ से छन करके लाइट आती हो, जैसे कि विंडो हो या अपने जो मेन गेट है वहाँ से जहाँ से छन करके लाइट आती हो, दोस्तों इसको फिल्टर्ड लाइट पसंद है, वैसी जगह अपने को रखना चाहिए, तब अच्छा पौधा ही अपना ग्रो करेगा। और दोस्तों, तीसरी बात है कि इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, पानी इसमें बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहना चाहिए। और सॉइल जो अपन लेते हैं वो अपन 3 भागों में लेंगे, गार्डन सॉइल या रिवर सैंड, इनमें से एक कोई ले लेंगे, सेकंड बजरी और थर्ड जो है काउडंग या कंपोस्ट, गोबर की खाद आप ले सकते हो। ये तीनों मिला करके आप इसकी जो है सॉइल बनाएंगे। क्या क्या लेंगे दोस्तों? सॉइल, बजरी और गोबर की खाद, नेचुरल फर्टिलाइजर इसको यूज़ करो, काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। मैंने अपने प्लांट में कभी भी मार्केट से लाकर फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारा और आकर्षक है कि आपने अपने घर की खूबसूरती को कितना अच्छा लुक देता है ये, और बहुत ही अपने घर के लिए बेनिफिशियल है ये। अपने रोज रूम है, अपार्टमेंट है, उसमें ह्यूमिडिफायर का काम करता है, रूम की नमी को बनाए हुए रखता है, हवा को शुद्ध करता है और अपने जो वातावरण में विषैले तत्व हैं, जाइलिन है, टोलुइन है, उनको ये हटाता है, रिमूव कर देता है, खुद सोख लेता है, घर की खूबसूरती में भी काफ़ी 4 चांद लगाता है। और दोस्तों, बहुत ही कम पानी की ज़रूरत, आसानी से गमले में उगाया जा सकता है। तो ऐसे प्लांट को अपन घर में क्यों नहीं उगाएं? तो दोस्तों, ऐसे प्लांट को अपने घर में ज़रूर उगाइए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे दूसरे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।